आपके साथ मैं हूं दिव्या तिवारी और खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो प्रदेश के रूफटॉप रेस्टोरेंट्स के लिए एक बड़ा फैसला सामने आया है। प्रदेश के रूफटॉप रेस्टोरेंट्स के लिए ये अहम फैसला, जहां निर्धारित मापदंडों के तहत किया जाएगा नियमन और अवैध चल रहे रेस्टोरेंट्स का किया जाएगा नियमन। और मंत्री शांति धारीवाल की अध्यक्षता में हुई है बैठक और बैठक में किए फैसले के मुताबिक देंगे नोटिस। रेस्टोरेंट को अंडरटेकिंग लेने के लिए दिए जाएंगे नोटिस और रेस्टोरेंट संचालकों को देनी होगी अंडरटेकिंग। 3 महीने में फायर एनओसी लेने की अंडरटेकिंग और तय मापदंड पूरे करने वाले रेस्टोरेंट को ही मिलेगी एनओसी। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या कुछ फैसला लिया गया और एक अहम फैसला कह सकते हैं रूफटॉप रेस्टोरेंट से जुड़ा हुआ ये? बिल्कुल दिव्या, ये वाकई बहुत अहम फैसला है। एक तरह से जो प्रदेश में जो अब तक अवैध चल रहे थे रेस्टोरेंट, उनके नियमन की सरकार ने बाकायदा तैयारी कर ली और जो मापदंड है उन पे भी मोहर लगा दी। और इसमें बड़ी बात यह है कि फर्स्ट इंडिया न्यूज ने कल ही इस बारे में एक्सक्लूसिव खबर दी थी और इसमें तमाम तरह के जो मापदंड प्रपोज किए जाने वाले हैं आज मीटिंग में, वो उसके बारे में खुलासा किया था कि किन मापदंडों के आधार पर रेस्टोरेंट का नियमन किया जाएगा। आज उन्हीं सभी मापदंडों को स्वीकृति दी गई और इसमें बड़ी बात ये भी है कि जितने रेस्टोरेंट अब तक सील किए हैं निगम ने, उनको उनको भी खोला जाएगा और उनको 3 महीने का नोटिस दिया, उनको नोटिस दिया जाएगा और नोटिस में अंडरटेकिंग लेने के लिए नोटिस दिया जाएगा और अंडरटेकिंग जो है 3 महीने में उनको लेनी होगी। अंडरटेकिंग वो देंगे कि 3 महीने में हम फायर एनओसी लेंगे, फायर एनओसी उन्हीं को मिलेगी जिन जो बैठक में आज तय किए गए मापदंडों को पूरा करेंगे। और बड़ी इसमें यह है कि जो रूफटॉप रेस्टोरेंट के लिए जो न्यूनतम एरिया की जो शर्त थी वो हटाई जाएगी, क्योंकि प्रपोज्ड जो मापदंड थे उसमें 50 वर्ग मीटर रखा गया था, उसको हटा दिया गया है। केवल मैक्सिमम लिमिट ही तय की जाएगी। इसके अलावा जो छत के 40% हिस्से को कवर किया जा सकेगा जो और जो है ऊपर जो छत का जो रूफटॉप रेस्टोरेंट का जो निर्माण होगा वो पूरी तरह से अस्थायी होगा और उसकी हाइट 5 मीटर से ज्यादा नहीं होगी। इसके अलावा उनको प्रति 25 वर्ग मीटर के हिसाब से एक कार की पार्किंग भी रखनी होगी और जो छत पर जो रेलिंग की ऊंचाई है वो कम से कम 1.5 मीटर होगी और सभी फायर सेफ्टी नॉर्म्स का पालन करता होगा। इसके अलावा अगर आप बात करें तो आपदा के समय सुरक्षित निकास, जैसे कोई कई आपदा हो जाए, कुछ बिल्डिंग में अगर आग लग जाए तो वहां बैठी पब्लिक किस रास्ते से निकले उसके लिए सुरक्षित निकास देना होगा और उसको बाकायदा लेआउट प्रदर्शित उसका करना पड़ेगा। इसके अलावा इन रेस्टोरेंट की जो है कम से कम साल में एक बार थर्ड पार्टी ऑडिट कराई जाएगी। थर्ड पार्टी ऑडिट में ये कंफर्म किया जाएगा कि इसमें सारे फायर सेफ्टी नॉर्म्स का पालन किया गया है। इसके अलावा हर रेस्टोरेंट में एक फायर एक्सपर्ट रखना होगा। ये फायर एक्सपर्ट समय समय पर जो रेस्टोरेंट है उसमें मॉक ड्रिल कराएगा और वहां के स्टाफ को फायर सेफ्टी के लिए प्रशिक्षित करेगा। और एक बड़ी बात ये भी है कि एलपीजी स्टोव या जो कोयला का चूल्हा होता है उसका इस्तेमाल रेस्टोरेंट में बिल्कुल नहीं किया जाएगा और जो एलपीजी सिलेंडर भी वहां रखने की अनुमति नहीं होगी। स्ट्रक्चरल इंजीनियर से अस्थायी निर्माण और पूरी इमारत का सेफ्टी सर्टिफिकेट लेना जरूरी होगा। अस्थायी निर्माण के लिए नेशनल बिल्डिंग कोड की पालना की जाएगी। सभी मापदंडों की पालना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निकाय में कमेटी का गठन होगा। ये कमेटी जो है बिल्कुल तो तय मापदंड पूरे करने वाले रेस्टोरेंट को ही मिलेगी एनओसी। और प्रदेश के रूफटॉप रेस्टोरेंट के लिए बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला सामने आया है, निर्धारित मापदंडों के तहत ही किया जाएगा नियमन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।